1992 यानी 6 दिसंबर 1992 जब अयोध्या में दिन दहाड़े उन्मादी नारों के बीच बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। बाबर ने जो एक बार मंदिर को समाप्त करके यहाँ पर ढांचा खड़ा किया था, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं वो दूसरे बाबर बन करके फिर यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे तो वो समझ रहे कब दूसरा बाबर यहाँ भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। क्या समझते हो कि हम कोई गोलियों से डर गए थे? जब 30 अक्टूबर को आप यहाँ आए थे क्या उस दिन आप इस इमारत को नहीं गिरा सकते थे? गिरा सकते थे। जब 2 नवंबर को आप यहाँ आए थे जब गोलियां चली थी तब क्या आप इस इमारत को नहीं गिरा सकते थे? गिरा सकते थे। गोलियों के डर से ये इमारत नहीं गिरी। अगर ऐसा किसी को धोखा हो तो वो अपने धोखे को मिटा दे, क्योंकि गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला करने के लिए। उस चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार इस अगर मंदिर को मस्जिद के रूप में परिवर्तित करना चाहेंगे, भगवान राम लला को हटा करके इस मंदिर को मस्जिद बनाएंगे, जिस दिन मस्जिद बना देंगे उसी दिन ढांचा हट जाएगा। बीजेपी से लेकर बजरंग दल और वीएचपी तक के जिन रणवीरों के बयान आपने सुने ये सब 1992 के दिसंबर महीने की है जब अयोध्या में कार सेवकों का हुजूम उमड़ने लगा था, बाबरी मस्जिद के खिलाफ माहौल बनने लगा था और राम की जन्मभूमि में पाकिस्तान तक को देख लेने वाले नारे गूंजने लगे थे। अयोध्या में 3 दिसंबर 1992 को ही 1 लाख से ज्यादा कार सेवक जुट गए थे। अनहोनी की आहट दिल्ली भी सुन रही थी और लखनऊ भी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि वो हर हाल में ढांचे को बचाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। हमारा कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, आप कोर्ट की बात क्यों बीच में ला रहे हैं आप लोग? हमने कहा है कोर्ट का जो यहाँ पर निर्णय आने वाला है वो हमसे उससे अप्रभावित है। वीएचपी और बजरंग दल ने 2 लाख कार सेवकों को मकसद तो यही बताया था कि वो सरयू से एक एक मुट्ठी बालू मिट्टी लाकर विवादित ढांचे के पास के गड्ढे में भरेंगे, लेकिन कार सेवकों का इरादा इस नारे से प्रकट हो जाता है। माहौल अयोध्या का ही नहीं देश का तनावग्रस्त था। 6 दिसंबर से एक दिन पहले लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कुछ कहा उससे भी कई अर्थ निकलते गए। नुकीले पत्थर निकले उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। 6 दिसंबर 1992 की सुबह 11 बजे कार सेवक बेताब थे और अधिकारी कुर्सी पर धस कर बैठे थे। शासन प्रशासन के अधिकारी किसी भी अनहोनी की आहट को हंसी में उड़ा रहे थे। तैयारी कैसी है? पूरी तैयारी है, पूरी व्यवस्था बनी हुई है, लोगों में उत्साह है और कुछ होने की आशंका संभावना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आपका अंदाज कुछ है? आपको कुछ अंदाज है? शांत व्यवस्था बनी रहेगी, सब ठीक रहेगा। लेकिन साजिश के तार कितने गहरे थे एक उत्साही कार सेवक के इस बयान से साफ हो जाता है। आज इस ढांचे को गिराना, आज पक्का गिरा लेंगे, पक्का गिराने के उद्देश्य से तो हम लोग आए हैं। तभी एक आदमी ने आकर उसका मुंह बंद कर दिया, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद जो कुछ हुआ